दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जिसमें हजार साल से एक पुरानी मम्मी को सुरक्षित रखा गया है। और इसके अलावा इस मंदिर की एक और ख़ास बात है, यहाँ पर पहली बार श्री राम अपने वास्तविक रूप यानी भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके कारण इस मंदिर का काफ़ी महत्व है। दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य मंदिर दर्शन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाली ऐसी धार्मिक और अद्भुत वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, भारत के राज्य तमिलनाडु में एक से बढ़कर एक नायाब ऐतिहासिक धरोहर देखने को मिलती है। यहाँ पर कई तरह के भव्य मंदिर भी हैं और इन्हीं मंदिरों में से एक है रंगनाथ स्वामी मंदिर। यह मंदिर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के स्वरूप रंगनाथ भगवान का है। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में कावेरी नदी के तट पर है और इस मंदिर में 1000 साल पुरानी मम्मी को सुरक्षित रखा गया है। मंदिर की भव्यता और विष्णु के रंगनाथ रूप में दर्शन के लिए भारत से ही नहीं बल्कि विश्व भर से लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ आते हैं। जितना खूबसूरत यह मंदिर है, उतना ही सुंदर दोस्तों इसका इतिहास है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस मंदिर के बारे में एक मशहूर कथा की। पुराणों के अनुसार गौतम ऋषि ने तप करके नासिक में गोदावरी नदी को देवलोक से पृथ्वी पर बुलाया था। गोदावरी नदी के तट पर ही गौतम ऋषि का आश्रम भी था। गौतम ऋषि के बढ़ते यश और कीर्ति से अन्य ऋषिजन उनसे जलने लगे थे और इसी के चलते गौतम मुनि पर हत्या का गलत आरोप लगा दिया गया। उन्हें आश्रम से बाहर कर दिया गया। आश्रम से निकलने के बाद गौतम मुनि काफ़ी दुखी हो गए। एक दिन वह कावेरी नदी के तट पर पहुंचे और इसी जगह श्रीरंगम में आकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर स्वामी रंगनाथ के रूप में उन्हें दर्शन दिए। इसके अलावा दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान राम ने लंबे समय तक देवताओं की आराधना की थी। त्रेता युग में रावण को पराजित करने के बाद भगवान राम जब लंका से वापस लौट रहे थे, तब यह स्थान उन्होंने विभीषण को सौंप दिया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर भगवान राम विभीषण के सामने अपने वास्तविक रूप विष्णु रूप में प्रकट हुए थे और रंगनाथ के रूप में निवास करने की इच्छा प्रकट की थी, और उसी समय से यहाँ भगवान विष्णु श्री रंगनाथ स्वामी के रूप में वास करते हैं। अब दोस्तों, आपको बताते हैं इस मंदिर में रखी हुई मम्मी के बारे में। वैष्णव संस्कृति के दार्शनिक गुरु रामानुजाचार्य से इस मंदिर का एक गहरा और ख़ास संबंध है। इतिहास के अनुसार श्री रामानुजाचार्य अपनी वृद्धावस्था में यहाँ आ गए थे। करीब 120 वर्ष की आयु तक श्रीरंगम में वे रहे और कुछ समय बाद भगवान श्री रंगनाथ से देह त्याग की उन्होंने अनुमति ली, जिसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के सामने देह अवसान की घोषणा कर दी। माना जाता है कि भगवान रंगनाथ स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही उनके मूल शरीर को मंदिर के दक्षिण पश्चिम दिशा के एक कोने में रखा गया है। यह मंदिर दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ एक वास्तविक मृत शरीर को हिंदू मंदिर के अंदर कई वर्षों से रखकर पूजा जाता है। मंदिर में रामानुजाचार्य के हजार वर्ष पूर्व के मूल शरीर को संभाल कर रखा गया है। आमतौर पर आपने दोस्तों देखा होगा मम्मी निद्रा भंग रूप में होती है, लेकिन इस मंदिर में रखी गई रामानुजाचार्य की मम्मी सामने बैठने की स्थिति यानी उपदेश मुद्रा में प्रतीत होती है। मंदिर में उनकी मूर्ति के पीछे उनकी मम्मी को रखा गया है। इस मम्मी पर केवल चंदन और केसर का लेप लगाया जाता है। इसके अलावा किसी अन्य रासायनिक पदार्थ का उपयोग इस मम्मी को सुरक्षित करने के लिए नहीं किया जाता। कई वर्षों से केवल कपूर, चंदन और केसर के मिश्रण को 2 साल में एक बार रामानुजाचार्य की मम्मी पर लगाया जाता है और इस लेप के कारण उनका शरीर केसरिया रंग में परिवर्तित हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इस मंदिर में भगवान सर्वप्रिय मुद्रा यानी अपनी शयन की मुद्रा में हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 मुख्य मंदिरों में से एक है। यह एक ऐसा इकलौता मंदिर है जिसकी प्रशंसा तमिल भक्ति आंदोलन के सभी संतों के गीतों में मिलती है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये थी तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगम में कावेरी नदी के तट पर स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।